रोहित शर्मा को जब टेम्परेरी तौर पर कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी तो उनके मुश्किल परिस्थितियों में उनके कूल अंदाज की खूब तारीफ होती थी। आईपीएल में लाजवाब रिकॉर्ड और भारत टीम की कमान संभालने पर रोहित हर बार चमत्कार किया करते थे। यही वजह थी कि जब विराट कोहली से कप्तानी लेकर रोहित को कैप्टन बनाया गया तो फैंस, टीम मैनेजमेंट से लेकर हर किसी को हिटमैन से बड़ी उम्मीदें थीं। बायलेटरल सीरीज में रोहित की कप्तानी का जादू भी खूब चला और हर बड़े टूर्नामेंट में उनकी अगुवाई में टीम इंडिया मुंह के बल गिरी है। एशिया कप में रोहित की पलटन को श्रीलंका पाकिस्तान ने पीटकर बाहर कर दिया। वहीं T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में किस कदर कुचल दिया ये सब ने देखा। जीत हाथ लग रही थी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हार का जो सिलसिला शुरू हुआ उसके साथ ही कप्तान रोहित के मैदान पर हाव भाव भी बदल गए। कैप्टन कूल इन दिनों मैदान पर झल्लाए हुए दिख रहे हैं, आंखों में गुस्सा है तो रोहित मैदान पर आपा भी खो दे रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में तो भारतीय कप्तान के मुंह से गालियां तक निकल गईं, जिसको कैमरे ने कैद कर लिया। बांग्लादेश के हाथों हार झेलने वाले रोहित चौथे कप्तान बने हैं और उसका असर चेहरे पर साफ तौर पर झलका है। हालांकि रोहित को खुद और टीम दोनों को इस समय संभालना होगा, क्योंकि अपनी धरती पर अगले साल विश्व कप खेला जाना है। एक वर्ल्ड कप हाथ से फिसल चुका है और अगर अपने ही घर में गलती दोहराई गई तो इसका खामियाजा रोहित को कप्तानी से हाथ धोकर भी चुकाना पड़ सकता है।